हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस वन वीक के जुलाई 2020। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो के जस्ट नीचे जाके रेड बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को जाके क्लिक कीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो मिलेगा सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन सागर क्या है। तो मिशन सागर जो कि भारतीय नौसेना का जहाज INS केसरी 55 दिनों के बाद कहां कोच्ची से केरल पहुंचा। तो इसमें क्या हुआ था कि भारतीय सरकार जो थी, सरकार है, उन्होंने अभी हाल ही में ही जुलाई में केरल भेजा एक नाव, किसके लिए, COVID-19 राहत के लिए भेजा गया। ये कहां से, हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर के थ्रू भेजा गया और वहां पर मालदीव व अंटार्कटिका क्षेत्र में लोगों को मेडिकली सुरक्षा मतलब चीजें भेजी गई और खाद्य सामग्री के सामान भेजी गई और इससे राहत प्रदान की गई, जिसे मिशन सागर कहा गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है खोलो गच्छू जल विद्युत परियोजना है। तो ये जो परियोजना है वो 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है जो भूटान में स्थित है। इसमें क्या हुआ है, भारत ने क्या किया है इस परियोजना से, भूटान से क्या किया, समझौता किया और इसका विकास कर रहा है, जिससे हमें क्या हो सके, जल विद्युत का लाभ हो सके। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेंड्रा मॉर्फिज्म क्या होता है। तो ये क्या है, एक तरह का एक ही जीव में नर और मादा दोनों की विशेषता पाई जाती है, ये जो होता है ना, जिसे क्या कहते हैं, कहा जाता है जेनेंड्रा मॉर्फ भी कहा जाता है। ये क्या होता है, अनुवांशिकी विकरण के कारण ये लक्षण क्या होते हैं, जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है UNFPA क्या है। तो UNF है यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड है, जो कहां पर है, संयुक्त राज्य की संस्था है, मतलब अमेरिका की एक संस्था है, जिसके थ्रू क्या किया गया है, हाल में ही जुलाई में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई है। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, मतलब सरकार ने विश्व स्तर पे मेल और फीमेल में क्या किया गया था, लैंगिक जो भेदभाव होता है ना, मतलब डिफरेंसेस होता है, उसको उजागर किया गया था, मतलब उजागर करने के लिए UNFPA का सोशली विकास किया गया इसका। ठीक है, और उजागर किया गया इसके थ्रू। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने नमामि गंगे यानी गंगा परियोजना जो है के लिए कितना लोन स्वीकार किया है। तो इसमें किया है द्वितीय फेज में 3 करोड़ लोन स्वीकार कर लिया गया है, और इससे जो पहले गंगा योजना के लिए जो लोन दिया गया था, स्वीकार किया गया था, वो फर्स्ट फेज था, जिसमें कितना दिया गया था 4,535 करोड़ लोन दिया गया था, किसके थ्रू, सरकार के थ्रू, मतलब सरकार के विश्व बैंक के थ्रू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है G4 वायरस कहाँ खोजा गया। तो ये जो वायरस है ये चीन में खोजा गया है, और दोस्तों इसकी एक और खासियत है, 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, तो ये क्या है, G4 वायरस इसी से मिलता जुलता है। तो इस वायरस में क्या है, इस वायरस का जो फुल नेम है ना वो है G4EAH1N1, इसका फुल फॉर्म नेम है G4 वायरस का, और ये जो वायरस है वो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा घातक बताया जा रहा है, तो इससे खतरा बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। तो ये कौन सी फैसिलिटी है, तो क्या हुआ था दोस्तों, SBI बैंक ने क्या किया था 2011 और 12 में मौद्रिक यानी कि आपातकालीन स्थिति में मौद्रिक नीति में उधार किया या फिर उधार दिया था किसको, इंटर बैंक को। इंटर बैंक में क्या हुआ था कि लिक्विडिटी यानी कि तरल जो बैंकिंग के लिए जो लोन वगैरह लेते हैं नगद, उसके लिए क्या हो गई थी, उधार लिया था किससे, इंटर बैंक ने RBI बैंक से। तो इसको क्या गया, कहा गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहा गया। ठीक है,
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोस्टेट क्या है? तो क्रायोस्टेट दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट के रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए हाई वैक्यूम प्रेशर चैम्बर को क्रायोस्टेट कहा जाता है। ये क्या है? जो ये वैक्यूम प्रेशर चैम्बर है वो भारत से गुजरात ले जाया गया था इसको, और इसको बनाया गया है किसके द्वारा? लॉरेंस एंड ट्रूबो द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसमें क्या है कि परमाणुओं के लिए क्या किया जाता है कि बड़ी सारी सलियन भट्टी होती है जिसमें 15 करोड़ सेल्सियस डिग्री तापमान पैदा किया जाता है इसमें, और क्या किया जाता है, परमाणु को सुरक्षित मतलब रखने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, किसका? क्रायोस्टेट यानी कि प्रेशर चैम्बर का यूज होता है इसका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। तो नामदफा नेशनल पार्क जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इस जो पार्क की खासियत है यह है हाल ही में इधर तितलियों की प्रजातियां मतलब स्पीसीज पाई गई है बहुत सारी अच्छी, और इसके बाद बिल्लियों की प्रजाति पाई गई है 4, जो कि कैसी दिखती है, टाइगर की जैसी दिखती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, विधान चंद्र राय कौन है? तो विधान रंग राय जी जो है वो है देश के फिजिशियन स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, रह चुके हैं ये। इसके बाद में 1961 में भारत रत्न से नवाजे गए थे और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे भी इनके नाम से ही मनाया जाता है। ठीक है, हाल में ही मनाया गया है अभी 1 जुलाई को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग एक्स पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार लंदन ने वैश्विक स्तर श्रेष्ठता के लिए किसको दिया है? भारत को दिया है, क्योंकि भारत ने क्या किया है COVID-19 में के लिए बहुत सारे सुधार किए, मदद की है। तो वैश्विक स्तर पे क्या है, भारत को किस चीज़ का मिला है? COVID-19 सोसाइटी पीपल्स चॉइस पुरस्कार दिया गया है। किस दिया गया है? कौन सा? कॉन्ग्स एक्स पुरस्कार लंदन से मिला है हाल ही में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटेल कैपिटल किस भारतीय कंपनी में निवेश करने जा रही है? इंटेल की जो कंपनी है वो क्या है? पहली बात तो ये कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी है। ठीक है, ये है जो कि जियो में 1,69,450 करोड़ का निवेश करने जा रही है। ठीक है, इससे क्या है, जियो वालों को जियो प्लेटफॉर्म पे 0.29% इक्विटी मिलेगी, मतलब फायदा होगा, हिस्सेदारी मिलेगी इससे, जियो को लाभ होगा भारत में जो है जियो की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 को की मेजबानी कौन करेगा? तो इस बार जो महिला विश्व कप की जो मेजबानी है वो टीमें करेगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में होगा ये, है ना, 2023 में। और हाल ही में ये डिसीजन लिया गया है कब, जुलाई में, 10 से 20 जुलाई 2023 में मेजबानी होगी। कौन से टीमों के बीच में? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। तो दोस्तों ये आपके 1 वीक के जुलाई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। Thank you.